और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसी सजेशन हमें रितेश कुमार काफी दिनों से दे रहे थे और आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं वो वीडियो जो हमें सजेस्ट की है और टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है के मेनन इंटरोगेशन शौर्य बेस्ट सीन फुल मूवी हिंदी राहुल बोस जुए जाफरी। वेल मैंने ये मूवी नहीं देखी हुई लेकिन ऑब्वियसली जो स्टार कास्ट बता रहे हैं इसमें उनके बारे में तो हम लोग जानते हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। अभी देख लेते हैं ये वीडियो लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? तीन। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फेवरेट एनिमल्स? खरगोश, चीटी, चीता। तो मेजर राठौर आपके खरगोश थे या चीता? वो एक बहादुर ऑफिसर थे और मैं चाहूंगा कि उनकी वीरता की तौहीन ना हो। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स उनकी वीरता को कल्पेबल होमिसाइड और जेनोसाइड का नाम देते हैं। जब 30 मंजिल की बिल्डिंग नीचे गिरती है तब बगल के 10 मंजिल की बिल्डिंग पर असर होता है। इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। तो ये रिपोर्ट्स बकवास हैं। ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है। मुझे मेरा फर्ज मुबारक। इट्स फैंटास्टिक स्पिरिट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस इज रिडिक्यूलिंग अ डेकोरेटेड ऑफिसर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। कैप्टन आरपी सिंह के गायब होने और फिर उनकी लाश मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े, किचन फाइट, पिलो फाइट, आत्महत्या, मर्डर, ये सब संभावनाएं हैं। पर इन विषयों पे मैंने पीएचडी नहीं की, पर दुखद है मैं उनके परिवार को फूल भेज दूंगा। अगर आपके पीसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं चलूं। Do you have any more questions for Brigadier Pratap? आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर? Why not? जानना जरूरी है चश्मा दूर का है या पास का, क्योंकि कभी कभी रियलिटी थोड़ी आउट ऑफ फोकस हो जाती है। Objection. Defense is digressing from the issue. Objection sustained. Okay, fine. अगर आपको मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, let's play a game. Let's play a memory game. With your permission, sir. मेरी याददाश्त बिल्कुल मेरी तरह है, अचूक, शार्प। पूछो। एक्सलेंट। आप कमीशन कब हुए थे? 16 दिसंबर 1971। पहला मेडल? 6 महीने बाद, वीर चक्र। 72, 16 जुलाई। फर्स्ट कार? बीटल, 78। फर्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट? 79, इंटर कमांड आर्मी गोल्फ चैंपियनशिप। ब्रिगेडियर नायर सेकंड आए थे। पहला ऑनर? अति विशिष्ट सेवा मेडल, एक नहीं दो बार, 88, 92। 93, 1993? कुछ हुआ था? मेंटल ब्लॉक, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। आई विल गिव यू अ क्लू, दिसंबर 1993। 9th December 1993? Come on, Brigadier. I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9th December 1993. शाम के 4:25। कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने, फिर धूप निकल आई थी। कुछ याद आया? D52 मयूर विहार,
9th December 1993, शाम के 4:25 पे क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, पढ़ लेना। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? ओह यस ऑफ कोर्स, लेट्स सी। आह हियर इट इज। सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे दो औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया, फिर उनके घर को जला भी दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेज आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ। मिसेज शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी माँ। तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर। ठीक कहा सर, ACR में सब डॉक्यूमेंटेड है। What a tragedy. It's sad. Emotionally है ना? Not only sad, it's cruel. कैसे किया? कुछ पेनी चीज से, चाकू से, किचन नाइफ से, 35 बार। मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टिन। आपकी माँ तो जिंदा थी, जलने से मरी घुट घुट के। ये सब रिपोर्ट में है, एक नाम रिपोर्ट में नहीं है। बाबू कह के बुलाते थे उसको, 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया, आपके बाबू ने, आपके जमील ने। जमील था ना नाम उसका, कोल्ड ब्लडेड किलर जमील। आई नो, व्हाट आई डोंट नो, इस जमील का नाम इस ACR में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप के फितरत में नहीं है, so I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं, और भले मुझ में ताकत ना हो पर मैं सच को जान के ही रहूंगा। बकवास कर रहे हो तुम, ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच यह है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच यह है कि 7,000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। गुण दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे ना? आपने देखा जावेद खान को, देखा
जमील बोलिए, दिखा ना तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होती ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम? हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई सफाई ब्रिगेडियर, इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह, इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा, इनको खत्म करूंगा, मैं एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग ना लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो सुबह शाम दिन रात, मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो, दैट्स व्हाट वी वांट। ब्लडी डेमोक्रेसी। Thank you. That will be all, Your Honor. The defense rests its case. हो गया खत्म। मैं वक्त जाया नहीं कर सकता, इसलिए thank you, gentlemen. It was a pleasure. Brigadier Rudra Pratap Singh, you have been relieved of your duty with immediate effect, and a court of inquiry will be ordered against you. What? नहीं, हो क्या रहा है? ये इंडियन आर्मी है, जंबो सर्कस। The prosecutor Major Akash Kapoor will now read the charges against Brigadier Rudra Pratap Singh. Brigadier Pratap, आप पर RPC धारा 304 और Army Act Section 69 के तहत culpable homicide का आरोप लगाया जाता है. You are to be taken into immediate custody. Custody? शौर्य मूवी की बात कीजिए तो वैसे तो मैंने ये नहीं देखी हुई, लेकिन आज जो है जो मैंने इसकी यार सीन देखा है, मुझे जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगी है। वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा सुना है कोर्ट मार्शल के बारे में, लेकिन वो यानी कि सिर्फ सुना हुआ है, लेकिन किस तरह उसकी प्रोसीडिंग होती है, क्या होता है, वो आज जरा मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि बेसिकली ये भी एक अदालत टाइप ही होती है जहां पर जो है एक तरह की इंक्वायरी स्टार्ट की जाती है। और मुझे पता ही नहीं कि कोर्ट मार्शल क्या होता है, मैं आज पहली दफा देख रही हूँ। आई नो कि मैं
इस टाइम पर लोगों को बहुत इग्नोरेंट लग रही होंगी, क्योंकि हमारी कंट्री में ज्यादातर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं रही, तो लोगों को ये लगता होगा कि बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज का आइडिया होगा, बट आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों को मौजम इस चीज के बारे में पता भी होगा कि कोर्ट मार्शल क्या था। आई मीन, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। आम जनता की बात करें तो हाँ, बहुत कम लोगों को पता होगा कि कोर्ट मार्शल बेसिकली क्या होता है, लेकिन मैंने जहां तक सुना है इसके बाद यानी कि जो एक सजा जो दी जाती है ना एक तरीके से, वो होती तो फौजी सजाएं लेकिन काफी खौफनाक किस्म की होती है कि आम बंदा जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उन सजाओं को। सुप्रीम कोर्ट होता है वो आम इंसानों के, मतलब जो आम व्यक्ति है, नागरिक है, उसके लिए। जो कोर्ट मार्शल है वो फौजियों के लिए होता है कि जो उनसे गलतियां होती हैं उनको उस पर केस उनका किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना बेसिकली उसमें हर बंदा जाके कोई एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जैसे कुमार ने कोई बात की है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई भी चैलेंज कर सकता है उसको। जैसे कोई एक एनजीओ है या अगर कोई बहुत एक नामवर बंदा है वो चैलेंज कर सकता है, लेकिन कोर्ट मार्शल के जो आर्मी कोर्ट्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। वहां पर जो है जो ट्रायल्स होते हैं ना वो या तो दहशतगर्दी से रिलेटेड चलते हैं, जो कि आर्मी के अगर लोगों ने पकड़े हों दहशतगर्द तो उनके ट्रायल्स चलते हैं, या आर्मी वालों के जो अपने कोर्ट मार्शल होते हैं जिसमें उनके अपने ट्रायल्स चलते हैं वो बेसिकली वहां पर होते हैं। गलतियां होती हैं उनको, लेकिन पूछना मैं ये चाहती हूँ कि वो सिर्फ आर्मी के लोगों के लिए होता है, मतलब कि आम नागरिक के लिए तो केस नहीं ना वहां पर चलते? मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर जो है चलते हैं, ये चीजें क्लियर होगी। मुझे वैसे खुद नहीं इस चीज में इतना ज्यादा क्लियर, लेकिन फिर भी आप बता दीजिएगा। लेकिन ये कि अभी इस सीन की बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो मुझे समझ में आया है कि मूवी किस तरह से होती है, क्योंकि जो जमील नामी बंदा बीच में बता रहे हैं, इट मींस कि उसने ही ये सारी कार्रवाई की होती है, कि ये जो क्राइम है उसने ही किया होता है। लेकिन ये है कि के मैनन सर की, मैं कहूँगी एक्टिंग और जो उनके चेहरे पर पहले एक्सप्रेशन थे जब सब कुछ ऐसे नॉर्मली चल रहा था उस टाइम पर, और फिर एकदम वो बहुत ज्यादा जैसे इमोशनल होते हैं, और वो जो मैं कहूंगी कि इंटेंसिटी उनके फेस पर हमें नजर आती है, आई मीन कमाल की एक्टिंग उन्होंने की है। और मैं कहती हूँ कि तुम ये देखो कि वो इतने स्ट्रांग दिखाए होते हैं, लेकिन जो एक मैं कहती हूँ कि जो लॉयर होता है, लॉयर ही हम कहेंगे कि लॉयर नहीं, वो भी मेजर ही है ना वहां पर, लेकिन जो है वो जो काम तो लॉयर का ही काम लॉयर वाला सेंटर है। तो मतलब उनका काम देखो कि वो किस तरीके से बात जो है वो निकलवा देते हैं। देखें जो एक वकील होता है ना उसका काम ही यही होता है कि भाई चीजों को जो है ना इस तरह जो है सामने लाया जाए कि अगला बंदा जो है ना वो बातें बताए। तो वैसे जो उसमें जो उन्होंने एक टेक्निक अपनाई कि 1992 तक उन्होंने बताया, उसे आगे बताया नहीं, उससे आगे बताया भी तो वो लिमिटेड इमोशनली। किस तरह, वैसे एक चीज है, आपको इमोशनली बहुत जल्दी आप टूट जाते हैं, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया हुआ है ये के मेनन सर का, लेकिन उसके बावजूद जब आपकी फैमिली की इमोशंस की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं पर टूट जाते हो। और खैर यहाँ पर बात करें, अगर जो ये जो सीन है और जो ये टॉपिक है अगर इसकी बात की जाए, तो मेरे ख्याल में इसके दो तरह के हम लोग एक हम कहें कि कैटेगरीज बनती हैं। अगर एक कैटेगरी देखी जाए तो वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जिस इंसान के साथ हुआ होता है, जिसकी फैमिली के साथ होता है, उसके वाकई में इसी तरीके के सेंटिमेंट्स होते हैं और वो सबको गलत समझता है। बट दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि सब गलत नहीं होते, कुछ लोग अगर गलत होते हैं जिनको वाकई में सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये कि उनकी वजह से सबको भुगतना पड़ता है, और ये भी सच है। जैसे आपने बात की ना कि वैसे मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हर जो एक पहलू यानी कि एक सिक्का होता है ना उसके दो पहलू होते हैं, तो अगर आप एक ही जगह पर सबको तोलना शुरू कर देंगे ना तो वो भी गलत है, क्योंकि हर इंसान वाकई एक जैसा नहीं होता। जहाँ पर जो है इतने ज़्यादा इंसान अगर अच्छे होते हैं, एक इंसान उसी कम्युनिटी का जो है कुछ गलत करता है ना, तो नो डाउट उसकी जो है ना एक वो भुगतान जो है वो पूरी कम्युनिटी को जो है वो सफ़र करना पड़ता है, एक जो ना वो ठप्पा लग जाता है कि यार ये एक बंदा ऐसा है, तो वो एक इमेजिनेशन हर बंदे के फिर जहन में बन जाते कि यार अगर इसने ये किया ना ये सारे ए टू जी ऐसे ही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हर इंसान जो है उसका सोचने का तरीका, उसका रहन सहन, उसका स्टाइल जो है वो अलग होता है। अब हम दो बहन भाई हैं, ठीक है ना, हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ठीक है ना, हम दोनों का सोचने का तरीका भी
मोस्टली हम दोनों अलग अलग सोचते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दोनों की सोच एक जैसी जैसी हो जाती है, तो ये चीजें जो होती है ना कि जान हम लेते हैं कि यार ये एक ऐसा है बाकी सारे भी ऐसे होंगे, तो ये गलत है। इस तरह की गलत फहमियां जो है ना वो किसी को नहीं अपने जहन में पाल लीजिए। खासतौर पर वैसे तो ये एक मूवी दिखाई हुई है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे, होते क्या होंगे बिल्कुल, हाँ, जो क्या नाम लेते हैं जो जो वो असल में ना हाँ, हो गया था तो ब्रीद एक्सरसाइज हाँ, तो जो है ना वो अपने जहन में यही इमेजिनेशन बना के रखते हैं कि यार ये एक बंदा ऐसा नहीं सारे ऐसे हैं। वेल ऑनेस्टली बोलू मैं इस चीज को अंडरस्टैंड इसलिए करती हूँ और क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि कुछ लोगों की वजह से सारी उसकी कम्युनिटी गलत है, अगर वो ये चीज समझते हैं ना कहीं ना कहीं पर वो इसलिए सही, क्योंकि देखो हमारी लाइफ में अगर छोटा सा एक वाक्य होता है ना, बहुत ही एक वो वाला टीनेज वाला ले लेती हूँ कि जब हम टीनेज में होते हैं और हाँ, हम किसी को पसंद करते हैं और फिर हमारा उसके बाद अगर ब्रेकअप हो जाता है कि जो दूसरा हमारा पार्टनर है वो हमें चीट कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए तुम ये देखो कि हमारा जो एक हमारा ट्रस्ट होता है ना वो हाँ, किसी के लिए भी बिल्ड नहीं होता। हम सबको ये बोलते हैं कि सभी एक जैसे हैं, सभी एक, सबको हम लोग एक ही लाइन में रखना शुरू हो जाते हैं और ये हकीकत है। आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट वाकई में ऐसे होते हैं, वैसे सबसे आसान वाला मुझे इंसिडेंट यही लगा था तो इसलिए मैंने ये बता दिया, इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं। बात करने का मतलब ये कि जहां पर आपकी फैमिली आती है ठीक हाँ, है वो एक बहुत बड़ी बात है, एक आपका ब्रेकअप होना वो बहुत छोटी बात है, लेकिन जिस तरीके से ये एक सिनेरियो एक सिचुएशन बताई हुई है कि एक बच्चे को लेकर आना, उसको 10 साल तक अपने घर में पालना और फिर आई थिंक वही बच्चा बड़ा होकर आपके घर वालों के साथ ऐसे कर दे, तो ये वाकई में आपके दिल में एक नफरत आती है। बिल्कुल आती मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ ठीक है। एक कैटेगरी जो ये है वो वाकई में मुझे लगता है कि वो इसलिए अपने दूसरों इसलिए वो गलत नहीं है क्योंकि उनके साथ ऐसा बहुत बुरा हुआ है जिसकी वजह से उनका रिएक्शन का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे जैसे लोग होते हैं हम लोग कहते हैं कि नहीं फिर भी इसको इस तरह नहीं समझना चाहिए, ऐसा नहीं होता, जो कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मुझे सही लगते हैं। बट मैं ये जरूर बात करना चाहूंगी कि ऐसा कभी नहीं होता, मेरा खुद का भी यही बिलीफ है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक कम्युनिटी के सारे लोग ही गलत हों, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं चाहे कम मात्र में हो लेकिन होते जरूर हैं कि जो कि मैं कहती हूँ कि चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहते हैं, बहुत बैलेंस्ड वे में लेकर चलना चाहते हैं। बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के टाइम में चीज है ना वो ये कम्युनिकेशन, आप जितना एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, आप जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे, मुझे लगता है कि आप में उतने ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगे। यार इस चीज की मैं बात करूँ ना तो इस चीज की एग्जाम्पल हमें यहाँ पे तो खैर इतनी देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ जब आप जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं या जो अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि वहां का एक कल्चर वहां का एनवायरनमेंट इस तरह का बनाया गया हुआ है कि यार आपने हर बंदे को डाइजेस्ट करना है, हर चीज को डाइजेस्ट करना है, तो वहां पर देखा जाए ना तो वहां पे फिर भी आप जैसे आप मुझे पता है मेरे से एग्री नहीं करेंगी नहीं, 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 लेकिन लेकिन अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से एक बंदा जाता है यूरोप में कहीं जाता है और इंडिया से भी एक बंदा जाता है, वहां पर जब जाएंगे ना तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, एक दूसरे का अच्छे तरीके से रहेंगे भी, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम यहाँ पर देखते हैं ना यहाँ पर हमें वो चीज देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर जो है ना हमें उल्टा जो है ना ये कहते हैं हम मिक्सअप नहीं हो सकते, हम ये नहीं कर सकते, भाई क्यों नहीं हो सकते, आप क्या नाम लेते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल आम रूटीन में आप बाहर बाजार निकले हो आप क्या बता सकते हैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, नहीं आप बता सकते। लेकिन खैर मैं यहाँ पर करेक्ट बात जो मतलब जो मुझे लग रहा है मैं मौजूद को ये करेक्ट करना चाहूंगी कि इसने यूरोप की बात यूके की और अमेरिका की तो की है, बट आई थिंक मैं इंडिया की बात करना चाहूंगी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आता है और वहां पर हमें ये एग्जाम्पल्स नजर आती है। देखो एक दो वाक्या जो होते हैं ना वो हर जगह पर होते हैं, वो अमेरिका में भी होंगे, वो यूके में भी होंगे, वो यूरोप में भी होंगे, बट आप ये देखो कि वहां की पॉपुलेशन में और यहाँ की पॉपुलेशन में, यहाँ के कल्चर में, लोगों में कितना ज्यादा डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहेंगे और वो रह रहे हैं इस तरीके से। हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम मुझे नजर आती है पाकिस्तान में कि यहाँ पर लोग उस तरीके से नहीं रहते, लेकिन मुझे ये लगता है कि वक्त के साथ साथ
अब लोगों में एक अवेयरनेस जरूर आ रही है, चाहे अभी बहुत कम लेवल पर है, बट मुझे ये लगता है कि जैसे हर चीज का एक स्टार्ट होता है, उसी तरीके से इसकी भी एक हम कहेंगे कि शुरुआत हो चुकी हुई है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को अभी और बहुत ज्यादा अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत है, और एक वो वाले कल्चर से बाहर निकलकर अपने बच्चों के हाथों में बुक्स देने की जरूरत है, उनको नॉलेज देने की जरूरत है कि हमें कैसे इस दुनिया में और आगे आने वाले टाइम में और जो दुनिया जिस डगर पे चल रही है कैसे उनके साथ कंपटीशन करना है, पेन पकड़ के, बुक्स पकड़ के हमें इस तरीके से कंपटीशन में आना है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, हम लोगों को तो अच्छी लगी क्योंकि कमाल की एक्टिंग की है। मतलब के मैनन सर की, मतलब फैन हो गई हूँ। आई मीन जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से आई मीन उन्होंने डायलॉग डिलीवरी थी, एक वो यू नो पहले उनमें वो एक नजर आया, उन्होंने काफी हद तक जो राहुल बोस है उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश भी की। यार एक जो होता है ना उनके बॉस वाला एटीट्यूड उनके अंदर था कि हाँ भाई तुम मुझसे सीनियर हो, तुम मेरे से तमीज से बात करो। तुम मुझसे सीनियर नहीं, मैं तुमसे सीनियर, सॉरी मैं तुमसे सीनियर हूँ, सॉरी मैं उल्टा बोल के, मैं तुमसे सीनियर, तुम मेरे से तमीज से बात करो, जरा अपने आप को अपना रैंक देखकर मेरे से बात करो। लेकिन वो जब इमोशनल एक सीन आया ना, वहां पर उन्होंने सब कुछ जो उगल दिया, तो हाँ वो एक ट्रिगर पॉइंट था, और वहां पे जो जितने भी वहां पे लोग बैठे थे वो सारे हैरान भी थे कि ये हुआ क्या है। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ मैं जाओ आदर माय वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।